तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट्सएप के एक नए अपडेट के बारे में और एक कमाल के नए फीचर के बारे में। दोस्तों, अब आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे जो अगर आप स्टेटस लगाते हैं वो डायरेक्टली अपने फेसबुक पे अपडेट शेयर कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं डायरेक्टली आप अपने फेसबुक की स्टोरी पे भी अपलोड कर सकते हैं वही के वही स्टेटस। तो ये नया फीचर अभी रिसेंटली रोल आउट किया गया है, कुछ बीटा यूजर को मिला है और आने वाले टाइम पे सबको ये मिलने वाला है। क्या ये फीचर है, कैसे उसको यूज करेंगे, आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट्सएप के नए अपडेट के और नए फीचर के बारे में। तो सबसे पहले आपको जाना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है। अगर आप बीटा यूजर हैं तो भी अपडेट कर लीजिए, नॉर्मल यूजर हैं तो भी, क्योंकि जब भी नया लेटेस्ट अपडेट आता है हमेशा लेटेस्ट जो भी नया फीचर ऐड ऑन होता है हमेशा अपडेट के बाद होता है, तो आपको उसको अपडेट करते रहना चाहिए। यहाँ पर जो नया फीचर है वो है डायरेक्टली आप जो भी अपने स्टेटस व्हाट्सएप पर डालेंगे आप फेसबुक स्टोरी पर भी शेयर कर सकते हैं। कैसे, आपको यहाँ जाना है, ओपन कर लेना है, यहाँ जाना है स्टेटस पे। यहाँ पर लाइक मैं एक स्टेटस अपलोड करता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर एक फोटो ली और मुझे स्टेटस में अपलोड करना है। मैंने यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करा, जैसे ही मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये अपलोड के लिए हो गया है और आपको वहाँ पर फेसबुक का एक निशान मिल रहा होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बोलेगा शेयर योर स्टेटस टू फेसबुक स्टोरी। तो यही नया फीचर है, यहाँ पर आप इजीली शेयर कर सकते हैं योर स्टेटस टू फेसबुक विदाउट लीविंग व्हाट्सअप। व्हाट्सअप को आप बिना यहाँ से हटाए आप डायरेक्टली फेसबुक स्टोरी पर शेयर कर सकते हैं। कंट्रोल विच स्टेटस अपडेट आर ऑलवेज शेयर्ड, आप जो भी मतलब कोई भी स्टेटस डालें तो आप यहाँ कंट्रोल भी कर सकते हैं कि कौन सा स्टेटस वहाँ पर शेयर होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए। और योर स्टेटस विल बी शेयर टू योर फेसबुक स्टोरी, ऑडियंस चेंज योर ऑडियंस ऑन फेसबुक एनी टाइम। तो इस तरीके से ये काम करेगा। तो उसको यूज़ कैसे करेंगे वो बताता हूँ। तो उसको यूज़ करने के लिए आपको करना क्या है, पहले तो यहाँ तो आपको यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, आपको वहाँ पर अपना अकाउंट मिल जाएगा, यहाँ पर आपको उसको एग्री पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एग्री पे क्लिक करेंगे तो अब आपका जो अकाउंट जो स्टेटस है ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप फेसबुक की स्टोरी पे भी शेयर हो जाएगा। और आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है ऑलवेज शेयर में, कि जब भी आप शेयर करें तो ऑलवेज पे करना है या नहीं करना है ये आपके ऊपर है। अगर ऑलवेज पे करना है तो आपने यहाँ पर कर दिया और तो ऑटोमेटिकली आपके फेसबुक की स्टोरी पे ये लग जाएगा। आपको एक ही जगह उसको अप्लाई करना होगा और ऑटोमेटिकली वहाँ पर वो काम करने लगेगा। तो इस तरीके से ये वाला फीचर काम करेगा। और अगर आपको उसको मॉडिफिकेशन थ्री डॉट्स पे यहाँ जाना है स्टेटस प्राइवेसी पे। जैसे आप स्टेटस प्राइवेसी पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर अपना फेसबुक अकाउंट ऑटोमेटिक दिख जाएगा जिस नाम से दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है और ऑलवेज शेयर करना है ये नहीं करना, आपको यहाँ पर इसको अनटिक और टिक कर लेना है। इसके बाद जो भी आप फेसबुक स्टोरी डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपने फेसबुक स्टेटस पर शेयर हो जाएगी, और आप चाहते हैं डिलीट हो जाए तो आप यहाँ से उसको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने डाली है, अब मैं आपको फेसबुक स्टोरी पर ले जाऊँ तो आप देखेंगे ये मेरी अपलोड हो चुकी है, आपको दिख रही होगी। तो इस तरीके से ये वर्क करता है और जो कि बहुत ही कमाल का, आप वीडियो डालें फोटो डालें वो ऑटोमेटिकली आपके व्हाट्सअप से फेसबुक स्टोरी पे शेयर हो जाएगी। तो यही नया अपडेट था व्हाट्सअप की तरफ से जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। एक दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें मेरी कुछ कमी है तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डीएम करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू।